गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो प्रियंका, विक्रम, ऋतुजा, वेलकम टू यू ऑल। चलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट कराइए। वी विल बिगिन द सेकेंड सेशन टुडे। सो एनी डाउट्स फ्रॉम यस्टरडेज सेशन, कोई चीज जो क्लियर ना हुई हो? हमने कल इनफैक्ट कोई बड़ी बात नहीं की है, हमने सिंपल सिंपल सी बातें की थी जो कि आप बचपन की जो क्लासेस है उसमें पढ़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून तनु, विभा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, नाइस टू सी यू ऑल। चलिए, और आज की क्लास में रिक्वायरमेंट ये है कि आप पेन पेपर के साथ बैठेंगे और कैलकुलेटर होना चाहिए। वी विल बी लुकिंग इन टू सम ऑफ द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस, ठीक है, रैंडमली कोई भी ईयर का हो सकता है। वी विल बी लुकिंग जो भी हमने अभी तक पढ़ाई की है और जो करने वाले हैं उसके बेसिस पे हम देखेंगे क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, गुड आफ्टरनून आशीष। चलिए जल्दी से ले आइए कैलकुलेटर, कॉपी, पेन। Meanwhile, हमने कल गेट स्ट्रेटेजी एक बार फिर से आपको रिमाइंड करना चाहूंगा। What was the strategy? First of all, never miss out on the MSQ question और NAT questions. इन questions को तो किसी हाल में छोड़ना नहीं है, अगर आए तो भी, नहीं आए तो भी, ठीक है। In case of doubt, तब भी नहीं छोड़ना क्योंकि negative marking तो होने नहीं वाली है, zero marks मिलेगा, तो फिर डर किस बात का, ठीक है। और ऐसी कोई रैंडम गैस करके अपना अपॉर्चुनिटी मत मिस करिएगा। हैव अ लॉजिकल गैस, ठीक है, लॉजिकली हमें गैस करना होगा। एंड रिमेंबर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि काउंट नहीं किया जाता है पर बेसिक्स है, बहुत ही बेसिक है आपके गेट क्वेश्चंस का, दैट इज द यूनिट कन्वर्जन। यू शुड बी प्रोफिशिएंट, आपको बहुत आराम से कोई भी बोले आप यूनिट कन्वर्ट कर ले, ठीक है। And meanwhile you are solving the questions, आपको कोई भी step skip नहीं करना है। तो third point क्या था? Do not skip the steps, एक एक step को लिखते चलिए as if you are doing it for the first time, then guessing the answers. Even though you do not know answers, पर हमें पता है कौन सा reaction spontaneous होता है, कौन सा non spontaneous होता है, कहां पे negative sign आएगा, कहां पे positive sign आएगा, ठीक है। इतना तो हम गेस कर सकते हैं, पाइप की लेंथ किलोमीटर्स में नहीं होगी। अगर आपको मिल्क बॉइल करना है, लेट्स से आप एक यू आर डूइंग अ स्टरलाइजेशन प्रोसेस, कैरिंग आउट अ स्टरलाइजेशन प्रोसेस, तो आप उसके लिए किलोमीटर्स लंबी पाइप नहीं बिछाएंगे, दैट इज नॉट फिजिबल इकोनॉमिकली सही, तो आंसर कैसे आ सकता है, ठीक है, जरा ऐसा भी कुछ गौर करिएगा। तो आंसर कोई डबल डिजिट में ही होगा, कोई नंबर ही होगा, तो आप 10 से लेके यू कैन गेस एनी नंबर बिटवीन 99, 10 से लेके 99 तक, ऐसे ही कुछ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के, क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, ओके। एंड ऑल्सो लुक फॉर द यूनिट्स, ठीक है, अभी हम उस पर ही बात कर लेते हैं। व्हेन वी विल लुकिंग इनटू द समरी ऑफ यस्टरडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट, इस बारे में हम बात करते हैं। सो माधुरी, गुड आफ्टरनून टू यू। चलिए जल्दी से अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट करने के लिए बोलिए। एंड एवरीबॉडी, द क्लास की, आज की क्लास की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि सबको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी ऑफ नो यूज, ठीक है। चलिए समरी, तो हमने कल क्या क्या बातें देखी एक बार हम समराइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की नंबर सिस्टम की। सो ऑल योर आंसर्स इन द गेट एग्जाम एनएडी टाइप में वो रियल नंबर ही आंसर होंगे। रियल नंबर कैन बी एनी नंबर दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ नंबर लाइन, मतलब कि अगर आप कोई ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करे एंड यू ड्रॉ अ जीरो ओवर हियर, राइट अ जीरो ओवर हियर, इस साइड क्या होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, है ना, और इस साइड क्या होंगे, इधर होंगे पॉजिटिव नंबर। तो कोई भी, चाहे डेसिमल हो, चाहे नॉन डेसिमल नंबर हो या होल नंबर हो, जैसे ये है नॉन डेसिमल नंबर्स, आपका आंसर कुछ ऐसा ही आना चाहिए। पहली बात तो ये, इट कैन नॉट बी एन इमेजिनरी नंबर सच एज दिस, ऐसा आंसर नहीं होता है आपका। तो आपका आंसर एक कोई ना कोई तो रियल नंबर होगा। अब आपको यह ध्यान दे रहा है कि आपसे आंसर में, जैसे कि इस बार था गेट में, In one of the question they asked you,
नॉट टू गिव आंसर इन द डेसिमल्स बट इन द इंटीजर फॉर्म. इंटीजर फॉर्म का मतलब आपको राउंड ऑफ करके आंसर नियरेस्ट इंटीजर में देना था. ठीक है, अगर 99.9 है तो 100 का दीजिए, अगर 99.1 है तो 99 का लीजिए. ठीक है, तो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द इंटीजर एंड द डेसिमल नंबर्स. ओके ओके पुरुषोत्तम, गुड आफ्टरनून टू यू. ठीक है, पहली बात नंबर सिस्टम्स के बारे में हमने देखा. सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर डेसिमल नंबर्स एंड वेरियस क्लासिफिकेशन, जिसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए. उसके अलावा हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिविजन के बारे में, हमने वो बात कर ली थी और आई होप दैट इज क्लियर टू यू. और जब आप क्वेश्चन when you will go practically तो आपको और क्लियर हो जाएगा. शायद कल कॉम्प्लेक्स लगी हो चीजें, but those are not so complex जब आप उसे application wise देखेंगे अभी. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कल यूनिट कन्वर्जेंस की बात की, हमने वेरियस यूनिट्स देखी. वेरियस यूनिट्स में जैसे कि लेट्स से अगर आपको जैसे कि मिली से और या मिली से अगर आपको लेट्स से मिलीमीटर से आपको बदलना हो इसे मीटर में, कहने का मतलब अगर आप एक छोटी यूनिट से फ्रॉम ए स्मॉल यूनिट इफ यू आर कन्वर्टिंग टू अ लार्जर यूनिट तो आंसर कैसा आएगा. स्मॉल से लार्जर की तरफ जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, जो भी यहां पे वैल्यू होगी उससे कोई छोटी वैल्यू भी आपका आंसर बनेगी. यहां पे जो भी आंसर होगा दैट विल बी स्मॉलर देन द एक्स. ठीक है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर मींस 0.1 मीटर्स. और अगर आप लार्जर यूनिट से जैसे कि किलोमीटर को अगर आप बदले मीटर में तो क्या होगा, लार्जर से जब आप स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएंगे उस समय जो भी आंसर आएगा दैट आंसर विल बी लार्जर देन द वैल्यू. ठीक है, इससे x से बड़ा आएगा. स्मॉलर यूनिट की तरफ जाने पे हमें इससे बड़ा नंबर मिलेगा, x से बड़ी यूनिट मिलेगी. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा. इसी तरीके से हमने नंबर सिस्टम में देखा, जब हम एक ये देख रहे थे जब हम as we go away from the zero in the positive direction, जैसे जैसे इंटीजर की पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू बढ़ती जाती है उसकी रेसिप्रोकल की वैल्यू स्मॉल होती जाती है. इसी तरीके से नेगेटिव साइड में कौन सा नंबर बड़ा होता है, नेगेटिव साइड में वो नंबर बड़ा होता है जो जीरो के पास हो. तो जितना बड़ा नंबर, जैसे कि मतलब माइनस वन बड़ा होगा एज कंपेयर टू माइनस थ्री, तो जितना बड़ा नंबर उसका रेसिप्रोकल उतना ही छोटा. तो द लॉ कि बड़े नंबर का रेसिप्रोकल छोटा होता है अप्लाइज फॉर बोथ पॉजिटिव इंटीजर एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, बस अंतर यह हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में कि पॉजिटिव इंटीजर में बड़ा नंबर इट इज समथिंग लाइक दिस. अगर हम बात करें वन और टेन को कंपेयर करें तो टेन बड़ा होगा. यही बात अगर हम माइनस वन और माइनस टेन के साथ करें तो कौन सा बड़ा होगा, तब माइनस वन बड़ा होगा. तो माइनस वन का रेसिप्रोकल छोटा होगा एज कंपेयर टू माइनस टेन से. ठीक है, जो भी जीरो के पास होगा वो बड़ा नंबर होता जाएगा. ठीक है, गुड आफ्टरनून कविता, गुड आफ्टरनून एवरीवन. ओके, ये सारी बातें की थी हमने. फिर हमें ये भी पता चला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमें अंतर करना आ गया आवर. व्हाट डज इट मीन बाय वन आवर, अगर हमें वन आवर को सेकेंड्स में बदलना हो सो इट मींस, तो हमें पता है घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं. तो इट मींस 36 से हमें 3600 से मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे वन को. वहीं पे वन पर आवर का मतलब होता, क्योंकि यहाँ पे आवर डिनोमिनेटर में है और अगर हमें इसको सेकेंड से बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से. पर कहां पे, इन द डिनोमिनेटर, उस समय डिनोमिनेटर में. तो हमें आवर और पर आवर इस तरीके से अंतर करना भी आ गया. ठीक है, और इसी तरीके से इफ सपोज इफ समबडी आस्क यू कन्वर्जेंस, जैसे कि लेट्स से हमने बात की व्हाट इट मींस 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 3000 होता है, 10 टू पावर 6 मिलियन होता है, इसी तरीके से 10 टू पावर प्लस 9 बिलियन होता है एंड सो ऑन. ठीक है, ये तो लार्जर की तरफ हम चल दिए, स्मॉलर की तरफ चले तो मिली से, लेट्स से मिली से हम माइक्रो की तरफ चले तो अगर हम पहले मीटर की बात कर ले, मीटर से मिलीमीटर की तरफ जाए तो कितना होगा, 1000 फोल्ड डिक्रीज आएगा. दैट इज एक मीटर में देयर आर 1000 मिलीमीटर, या फिर इट इज यू कैन से मिलीमीटर का मतलब होता है, यू कैन से
इस तरीके से, ओके। देन मिलीमीटर से अगर हम माइक्रोमीटर में जाए तो 1 मीटर के अंदर 10^6 माइक्रोमीटर्स होंगे, दैट इज 1,000,000 माइक्रोमीटर्स। इसी तरीके से माइक्रोमीटर से नैनोमीटर्स की तरफ जाए तो क्या होगा, देयर विल बी 10^9 नैनोमीटर्स इन अ मीटर, ठीक है। ये सारी बातें थी। सो बेस्ड ऑन दिस इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर गेट में आया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेट मी टेल यू द फॉर्मूला, यहां पे आपको एब्जॉर्बेंस दी गई है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट्स बियर लॉ द एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कंसेंट्रेशन इनटू द पाथ लेंथ ऑफ द क्यूवेट जहां से लाइट ट्रेवर्स करेगी। और हमें इक्वल साइन लगाने के लिए क्या करते हैं, हम एक कोएफिशिएंट ले आते हैं, कांस्टेंट को ले आते हैं, जिसको हम कहते हैं मोलार एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहां पे आपको मोलार एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू गिवन है, यहां पे एब्जॉर्बेंस भी गिवन है और पाथ लेंथ भी गिवन है, तो निकालना क्या है, सी की वैल्यू। और सी की वैल्यू नो माइंड यू किसमें निकालना है, माइक्रो मोलार्स में। और यहां पे भी यूनिट ध्यान दीजिएगा, मोल पर लीटर का मतलब होता है एक मोल सॉल्यूट एक लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज आप इसको ये भी कह सकते हैं, यहां पे ये जो यूनिट है यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मोलार इनवर्स। तो यहां पे आपको दिया है ई की वैल्यू कितनी गिवन है, मैं आपके सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये आप सॉल्व करके बताइए, पर मोल पर सेंटीमीटर, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। कमोन गाइस, इसमें क्विकली आंसर करना है हमें, ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन था, 1 मार्क के लिए। क्विकली गाइस, अगर नहीं हो रहा हो यू कैन से इट, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम, है ना, हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, बेसिक्स तो एटलीस्ट, अगर बेसिक्स स्ट्रांग होंगे नोबडी कैन स्टॉप यू, आप बाकी चीजें आराम सीख जाएंगे। पर अगर बेसिक्स कमजोर होंगे, इवन दो यू लर्न मेनी थिंग्स, या अगर आपको बेसिक चीजों में घुमा दिया तो फिर आप वो क्वेश्चन में नहीं आते हुए क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए इट इज मस्ट दैट यू प्रैक्टिस राइट नाउ। गलत आया आंसर चलेगा, पर प्रैक्टिस करनी है। ओके, विक्रम कह रहे हैं 2 × 10^-3, I'll wait for 2 more answers, जल्दी से बाकी वो क्या लगता है। Yes, प्रियंका, that I will tell, पर आप में fighting spirit जरूर होनी चाहिए, ठीक है, उसके बिना I cannot help you, I will be helpless, है ना। Anyone? चलिए देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं। चलिए अब यहां पे आपको क्या गिवन है, सबसे पहले तो गिवन लिख लिया जाता है, एब्जॉर्बेंस आपको कितनी गिवन है, एब्जॉर्बेंस इज गिवन टू यू एस 0.02, दैट इज 2 × 10^-2। एब्जॉर्बेंस कैसा होता है, यूनिटलेस होता है। ओके, आशीष इज सेइंग 2 μM, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए देखते हैं, एब्जॉर्बेंस आपको गिवन है यहां पे। ओके विक्रम, आई हैव सीन द आंसर, एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, ठीक है। एब्जॉर्बेंस इज 2 × 10^-2,
यहां पे आपको पाथ लेंथ कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर. ओके सॉरी नॉट सी, इट इज एल. ये कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर, है ना. उसके बाद अब आप देखिए यहां पे मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट गिवन है, पर आपको सी की वैल्यू गिवन नहीं है. सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. और ये कितनी गिवन है टू यू, 10^4 पर मोल पर सेंटीमीटर. देखिए क्या होता, अगर आप अटेम्प्ट करते भी तो भी आंसर गलत ही होता ना, आपको जीरो मार्क्स मिलते, कोई नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, राइट. तो यहीं पे आपको हिम्मत जुटानी होगी इसे करने की. लेट अस सी, लेट अस सी. ओके मोनिका नितिन आंसर किए हैं, वेरी गुड, लेट अस सी. ठीक है, अब अगर मुझे, अब क्या समझ में आ रहा है, 10^4 पर मोल पर सेंटीमीटर. पर मोल किस तरफ है, अगर मैं कह रहा हूं 10^4 मोल पर सेंटीमीटर, और अगर मुझे इसे माइक्रोमोल में बदलना है, क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन किस में चाहिए, माइक्रोमोल्स में, है ना. बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, बाकी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी आपस में. सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा पाथ लेंथ के, है ना, और एब्जॉर्बेंस तो यूनिटलेस है. तो अगर अब मुझे इसे बदलना हो तो पर मोल, यानी मैं सिंपल से क्या लिख सकता हूं, इसे 10^4 मोल सेंटीमीटर लिख सकता हूं, कल की तरह, राइट. कल भी तो यही एक्सरसाइज की थी हमने, तो रिवीजन जरूरी है ना. अच्छा, एक मोल में कितने माइक्रोमोल्स होते हैं, अभी हमने देखा माइक्रोमीटर, या फिर माइक्रो का मतलब 10^6, तो इसका मतलब 10^6 पर कहां आएगा, इट विल कम इन द डिनोमिनेटर साइड, इट विल कम इन द डिनोमिनेटर साइड. ये कितना हो गया, माइक्रोमोल सेंटीमीटर, राइट. दैट इज कितना आ गया, ये 10^-2 माइक्रोमोल सेंटीमीटर इनवर्स. यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है. अब मतलब कि मुझे E की वैल्यू पता चल गई, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं दैट इट इज इक्वल टू 10^-2 पर माइक्रोमोलर पर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है. गुड इवनिंग प्रांशु सर, ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना. ओके सर, अब बस वैल्यू प्लेस करिए, ए की वैल्यू आपको गिवन है 2 × 10^-2, यहां पे लिखते जाइए. ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन, दैट इज 10^-2 इंटू सी की वैल्यू आपको निकालनी है, और पाथ लेंथ आपको कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर. अब अगर आप देखिए 10^-2 से 10^-2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आया, आंसर है केम एस 2 माइक्रोमोल्स. और अगर आपको लग रहा है तो यहां पे यूनिट्स को लिख लीजिए, जरा यूनिट्स को लिख के देखिए, यूनिट माइक्रोमोल सेंटीमीटर इनवर्स, और पाथ लेंथ का कितना यूनिट है, सेंटीमीटर है. तो अब क्योंकि सेंटीमीटर ये कैसा है, +1, बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, +1 - 1 जीरो हो जाता है, तो ये तो आपस में कट गए, नहीं तो सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर सिंपल से ये भी कह सकते हैं. पीछे क्या बचा, पीछे बचा माइक्रोमोल इनवर्स. माइक्रोमोल इनवर्स किस साइड जाएगा, इट विल गो टू द अपोजिट साइड, ये गया यहां से इस साइड गया, तो वो माइक्रोमोल्स बदल गया, है ना, ऐसा हुआ, ठीक है. तो आंसर क्या आ गया, सिंपल से यहां पे आंसर आ गया आपका 2, ठीक है. तो जिन्होंने भी 2 आंसर किया, वेरी गुड मोनिका, विक्रम, श्रद्धा, वेरी गुड, ठीक है. तो यही था एक क्वेश्चन कन्वर्जन पे, देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा और कैसे मार्क्स आराम से मिल गए. द क्वेश्चन वॉज नॉट टफ एट ऑल, है ना. इफ यू आर थॉरो विद द कन्वर्जन्स, वेरी गुड बेटा, ठीक है. सो अनाउंसमेंट टू मेक, तो आपका बैच चालू हो रहा है गेट बायोटेक्नोलॉजी का फ्रॉम द 5th of April, और फीस जो आपकी है दैट इज एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, इंस्टेड ऑफ 23,000 इट इज 18,888. पहली बात तो ये है. सो गेट बायोटेक्नोलॉजी, और गेट बायोटेक्नोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी है, अगर कोई टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है, so they can avail the test series, they will be also provided with the video solutions to the mock test, ठीक है. आपके टेस्ट होंगे, there will be a periodic test, and then you will also have the detailed solutions. तो ये available है for about 2,999 rupees, ठीक है, जिसकी price almost 4,000 थी, वो आपको available है 3,000 rupees में, ठीक है. तो 1,000 rupees का discount है यहाँ पे, so it's not a big deal considering that what you will get in turn. ठीक है, अच्छी रैंक आती है, आप IIT, IIT बॉम्बे या फिर किसी भी IITs में जा सकते हैं, ठीक है.
इवन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, सम ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड अदर सम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, दे एक्सेप्ट द गेट स्कोर्स. अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो आप पी एच डी के लिए वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू गेट से गेट अ हैंडसम स्टाइपेंड एज वेल. ठीक है, इसी तरीके से गेट एक्सेल की प्राइस फॉर 2022, इट इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of April, उसकी प्राइस है अबाउट 15,000. ठीक है, दैट इज नथिंग एज कंपेयर टू योर कैरियर. और इसी के साथ गेट एक्सेल में भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. ठीक है, सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट ifasonline.com. ओके, सो हमने अभी यूनिट कन्वर्जन की बात कर ली, हमें पता चल गया मिलियन बिलियन ये सारी बातें हैं, और छोटे की तरफ हम अगर जाएं तो फ्रॉम लाइक मीटर टू मिलीमीटर, देन टू माइक्रोमीटर, देन नैनोमीटर, पीकोमीटर, फेमटोमीटर एंड सो ऑन. ठीक है, ये चीज है. सो हम अभी पहले कर लेते हैं वॉल्यूम कन्वर्जन. सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉल्यूम कन्वर्जन्स. वॉल्यूम कन्वर्जन्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो सबसे पहले वॉल्यूम को आप दिखाते हैं क्यूब में. ठीक है, वॉल्यूम जैसे हम बताते हैं 3D स्पेस कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. सो वी कैलकुलेट बाय यूजिंग द डाइमेंशंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम डायमेंशन यूज करते हैं और हम वॉल्यूम बताते हैं. सो इट इज टोल्ड इन यूनिट क्यूब. ठीक है, यूनिट क्यूब. सो जैसे कि अगर हम बात करें 1 cm³, ठीक है, 1 cm ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. 1 cm³ या जिसको आप ये भी कहते हैं 1 cc भी कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब को, दैट इज इक्वल टू 1 ml. इसी तरीके से 1 dm³, इट इज इक्वल टू 1 L. ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपका 1 L के. और अगर आपको नहीं पता है सो इन यू कैन टेल मीन्स अगर हम क्या कहते हैं मिलीमीटर, देन कम्स सेंटीमीटर, देन कम्स डेसीमीटर, इस तरीके से होता है. ओके, मिलीमीटर, तो इसका मतलब कि 1 dm में 10 cm होते हैं. टू टेल मी 1000 cm³ कितने लीटर्स के बराबर होगा? टेल मी 1000 cm³ कितने लीटर्स बराबर होगा? और अगर कोई मुझे ये बता दिया वैल्यू, इसकी वैल्यू बता दिया, तो मैं आपको बता दूंगा कि डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा, हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब के बराबर ये होगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू लीटर्स में आएगी उतना मुझे डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देना है. सो हेल्प मी विद दिस. अब मुझे लीटर्स में बताओ, मैं आपको डेसीमीटर क्यूब में बताता हूं आंसर. विक्रम कह रहे हैं ओके, आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, है ना, राइट? तो बड़ा आंसर कैसे हो सकता है? खुद जस्ट लॉजिकली सोचिए, आप छोटी यूनिट को बदलने जा रहे हैं बड़ी यूनिट में. 1 cm³ बराबर होता है 1 ml के. बराबर भी कैसे हो सकता है बेटा, जरा खुद सोचिए ना आप. 1000 cm³ को पहले ml में बदलिए तो प्रियंका, लक्ष्मी, यशोदा, 1000 कैसे हो सकता है बेटा? मोनिका, वेरी गुड. सुमन, वेरी गुड. लेट अस सी. ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये करता हूं. देखिए, मैंने यही कहा था, स्टेप स्किप नहीं करना है. मैंने आपको जैसे दिखाया आपने पिक्चर वैसे ही देखी, आपने अपना दिमाग नहीं लगाया यहां पे. आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था? सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना चाहिए था 1000 cm³. अगर ये प्रॉब्लम सम है आपके लिए तो इसको ml में बदल लीजिए ना.
इसको एमएल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 1000 ml। मैं क्या आपसे एमएल में पूछा हूं जो आप 1000 बता रहे हैं मुझे, मैं तो आपसे लीटर में पूछ रहा हूं। एक लीटर में होते हैं 1000 ml। हमने अभी ऊपर में क्या देखा, हमने तो यही चीज देखी थी अभी, इफ यू हैव अ लुक, हम तो यही कह रहे थे ना। इसी तरीके से लीटर से एमएल में जाएंगे तो कितना होगा, एक लीटर में 1000 ml होंगे, यही तो कह रहे थे। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है नीचे में, जरा देखिए आंसर क्या होना चाहिए। सो इट विल बी 1 लीटर, और अगर 1 लीटर है तो दैट मीन्स 1 dm³, इजंट इट राइट गाइस, समझ में आई बात क्या हुआ यहां पे। इज इट क्लियर गाइस, लेट मी नो। ठीक है, गुड आफ्टरनून विशाल सर, सो ये चीज क्लियर हुई राइट, 1 लीटर, यस यस यशोदा यस। ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर ये आपको क्लियर हुआ है देन टेल मी, अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा ये याद होना चाहिए सबको, मिलीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद आता है मीटर, ठीक है इस तरीके से आता है। और हमने कन्वर्जन करना भी कल सीखा था कि अगर मान लीजिए आपको सेंटीमीटर से डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे आप पता लगाएंगे कितने जीरो लगाने हैं। तो अगर सेंटीमीटर से डेसीमीटर तो आपको टारगेट पता होना चाहिए और डेस्टिनेशन, तो जितने स्पेसेस हैं बस एक जगह 1 लिख दीजिए और बाकी जगह 0 लिखते जाइए। तो इसलिए मैंने कहा कि 1 dm के अंदर 10 cm होते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं, अगर आपको ये भी नहीं पता, ठीक है आपको ये तो पता है कि 1 dm के अंदर 10 cm होते हैं, ठीक है इतना तो पता ही है, तो बस आप दोनों साइड क्यूब कर देते। ठीक है आपसे मैंने क्या कहा था 1000 cm³, तो 1000 cm³ का मतलब क्या हो जाता, 1 dm³, दैट मीन्स 1 लीटर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है तो अगर ये समझ में आया है तो मुझे ये बताइए 1000 m³ में कितने लीटर्स होंगे, टेल मी हाउ मेनी लीटर्स इन 1000 m³। गुड इवनिंग धवल सर, गुड इवनिंग लाइफ साइंस, गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से बताइए, पहली बात आपको पता होना चाहिए लीटर का मतलब डेसीमीटर क्यूब, लीटर को आप क्या कह सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी सेड एज अल्टरनेटिवली डेंसीमीटर क्यूब। और 1 dm में या फिर आप कह सकते हैं 1 m में कितने डेसीमीटर होंगे, तो इस वाली टेबल को रेफर करिए। तो मुझे डेसीमीटर से मीटर की तरफ जाना है, डेसीमीटर से तो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन, आपका सोर्स और डेस्टिनेशन मतलब कहां से कहां तक आपको जाना है डेसीमीटर से मीटर, तो कितने जीरो आएंगे, यानी कि 1 m में 10 dm होते हैं। ओके धवल सर आपके 1000 कह रहे हैं, बाकी को क्या लगता है, हाउ अबाउट अदर्स, लेट अस सी कोई है कंटेंट करने को आंसर। ठीक है आई एम अगेन रिपीटिंग, बिना आपके पार्टिसिपेशन के ये सेशन वेस्ट है, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। श्रद्धा चतुर्वेदी 106 liters कैसे हो सकता है बेटा, 1000 kiloliters, ओके लेट अस सी, सुमन 1000 कह रहे हैं, ठीक है चलिए देख लेते हैं। ओके ओके लेट अस सी, 1000 m³ है यहां पे, ठीक है 1000 m³ है,
मुझे बस मुझे ज्यादा तो नहीं आता, मुझे ये पता है कि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। अब मैं यहां पे चाहूं तो क्या कर दूं, तो फिर 10 मीटर का मतलब कितना हो गया, 10 मीटर का मतलब हो गया 100 डेसीमीटर। दोनों साइड मैंने 10 10 मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों साइड में क्यूब कर दूं तो क्या होगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू 10 और सॉरी 10^3, यानी कि 1000 मीटर क्यूब में बदल गया। ठीक है, 1000 मीटर क्यूब में बदल गया, और इधर कितना हो जाएगा, 10^2 × 3 डेसीमीटर क्यूब, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10^6 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 10^6 लीटर्स, यानी 1 मिलियन लीटर्स, इजंट इट, 1 मिलियन लीटर्स, या फिर इसको ये भी लिखा सकता है कि 1000 किलोलीटर्स। ठीक है, तो आंसर आपसे आंसर पूछा गया था लीटर्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, इट विल बी 10^6। ठीक है, तो वेरी गुड विक्रम, धवल सर, प्रतीक, प्रतीक आप जीरोस में कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, यस श्रद्धा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, सब ने अच्छी कोशिश की है, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम हैप्पी। ठीक है, अभी नहीं बना है, दोबारा बन जाएगा, चिंता मत करिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्यों जरूरी होता है, ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हम जब पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, देयर मे बी क्वेश्चन रिलेटेड टू डेंसिटी। प्योर वाटर की डेंसिटी जो होती है, इफ वी टॉक ऑफ प्योर वाटर, हम कैसे डेंसिटी दिखाते हैं, 1 ग्राम पर cc, या फिर इसका मतलब क्या हुआ, दैट 1 ml ऑफ वाटर, प्योर वाटर, इट इज गोइंग टू वे 1 ग्राम पर ml, कितना वेट होगा, ये आपकी डेंसिटी होती है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 ग्राम पर cm³ से ज्यादा होगी तो वो ड्राउन कर जाएगा, वाटर में डूब जाएगा, और अगर इससे हल्का होगा तो वो तैरेगा, जैसे कि ऑयल। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, दैट इज 1 ml ऑफ वाटर वेज 1 ग्राम। इसी तरीके से अगर आपने 1000 ml वाटर ले लिया तो वो 1000 ग्राम वे करेगा, 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो। ठीक है, सो 1 लीटर ऑफ वाटर वेज 1 kg। ठीक है, ये है आपका डेंसिटी। और इसी तरीके से आपको पता है दैट मास, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्यों, क्योंकि आप डेंसिटी कैसे बताते हैं कि पर ml कितना वे कर रहा है, तो आप कहते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना है आखिरकार। ठीक है, तो आपने टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट वेट, तो आपको पता चल गया कि टोटल वेट कितना होगा किसी ऑब्जेक्ट का। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन टेल मी, 1000 मिलीमीटर क्यूब में कितना ml होगा। थाउजेंड मिलीमीटर क्यूब ऑफ वॉटर कितना ml होगा, तो ml में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में सोचिए, पहले मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए, और जहां आपको सेंटीमीटर क्यूब आ गया, एज इट इज नंबर उठा के ml में रख सकते हैं, स्टेप्स को स्किप नहीं करना है। ठीक है, स्टेप्स स्किप नहीं करना है। चलिए जल्दी से बताइए, 1000 मिलीमीटर क्यूब में कितने ml, आप ही लोग करेंगे, है ना, जब आप लोग डेयर करेंगे तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा। हमें न्यूमेरिकल हर हाल में करना सीखना है, हमें भी रैंक वन आना है, इजंट इट, तो यहीं से शुरुआत है। ओके, प्रियंका ने 1 ml आंसर दिया है, लेट अस सी। तो पहली बात, हमें क्या पता है, ओके, दूसरी प्रियंका 1000 कह रही है,
तो बेटा आप जरा ये देखो, आप मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब तरफ जा रहे हो, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ, तो आंसर बराबर भी कैसे आ सकता है? आंसर तो छोटा आना चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग। अगर आप लॉजिक से भी चलेंगे तो आपको मैथ करने से पहले ही पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, कि आपको मल्टीप्लाई करना था कि डिवाइड करना था, इजंट इट? तो आप छोटे नंबर से मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हो, तो एक सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, और आपने क्या लिया है, आपने इसका क्यूब ले लिया है, आपने इसका क्यूब ले लिया है, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई मींस, सो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, है ना, क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, दैट इज 1000 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml, इजंट इट सिंपल? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करना है, आप खुद ही सीख जाओगे, ठीक है, टेंशन मत लो, आप खुद सीख जाओगे, है ना, बस स्टिक रहिए, बी कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एम इज इक्वल टू वी इंटू डी, ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो हमें थोड़ा वॉल्यूम के बारे में भी जान लेना चाहिए, तो चलिए थोड़ा मेंसुरेशन भी देख लेते हैं, ठीक है, वी विल बी लुकिंग इनटू मेंसुरेशन, लेट अस सी मेंसुरेशन। पहले हम 2D फिगर्स की बात करेंगे, तो आपको रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल हुआ, सर्किल हुआ और स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना आना चाहिए, एरिया निकालना आना चाहिए, ठीक है, ये सारे 2D फिगर्स है। 2D फिगर्स का मतलब जिनको आप सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे 3D स्ट्रक्चर्स पे, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर्स, कम से कम इनके आपको फॉर्मुलेज पता होना चाहिए। लेट अस सी वन बाय वन, ठीक है, चलिए इनको एक बार देख लेते हैं। तो अभी हमने किसकी बात कर ली, हमने बात की वॉल्यूम की, हमने बात की डेंसिटी की, ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को रखिएगा क्योंकि अभी हम इस पे क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। सबसे पहले रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी एक साइड, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, ये वाली साइड, इफ वी टॉक ऑफ, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी और ये वाली साइड इस वाले साइड के पैरेलल होगी, इसी तरीके से, और ये यहां पे आपस में क्या बनाएंगे, दे विल मेक अ 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली आपस में होंगे सारे एंगल्स, दे विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे दो साइड्स, दे आर मच लार्जर डायमेंशन एज कंपेयर टू टू अदर साइड्स, तो जो भी लंबी साइड होती है उसको हम लेंथ कहते हैं और जो छोटी साइड होती है उनको विड्थ कहते हैं। तो अगर आपको पेरीमीटर, पेरीमीटर से मतलब कि लेट्स से अगर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना था, आपके पास एक ग्राउंड था, ग्राउंड में आपने नेल्स लगाए रेक्टेंगुलरली, ठीक है, तो आपको कितना धागा या कितना तार लगने वाला है एक कंप्लीट रेक्टेंगल बनाने के लिए, तो उसको कहते हैं हम पेरीमीटर, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनी मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। एरिया मतलब ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके जो भी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है यहां पे, तो जो भी यहां पे आपको दिख रहा है ये एनक्लोज स्ट्रक्चर, ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, ये होता है आपका एरिया। सो पेरीमीटर कैसे होगा, ए प्लस ए, यहां पे सामने वाला ए होगा, तो कितने हो गए, ए प्लस बी प्लस बी, यही होगा, तो इसको हम क्या सिंपल से लिख सकते हैं, कॉमन में लेके 2a + b, इजंट इट सिंपल। और एरिया क्या हो जाता है, ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ए इनटू बी हो जाता है। स्क्वायर्स में स्क्वायर इज द मॉडिफाइड रेक्टेंगल, वहां पे सारे साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है, अगर सारे साइड्स बराबर होंगे तो अब यहां पे ए भी किसके बराबर है, बी के, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम ये लिख सकते हैं कि 2b + b, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप 2a + a भी लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, तो अगर आप करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 4b, ठीक है, तो ये 4b हो जाता है। और एरिया क्या हो जाएगा यहां पे, लेंथ इनटू ब्रेथ, यहां पे लेंथ भी, लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में बराबर है, लेंथ और ब्रेथ बराबर है तो क्या हो जाएगा, एल और बी जब बराबर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा।
इसी तरीके से राइट ट्रायंगल छोड़िए, आपको मतलब यहां पे आपको पता होना चाहिए एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ये है आपका जिस पे आपका ट्रायंगल खड़ा है, और हाइट जो भी परपेंडिकुलर पड़ रहा है बेस के ऊपर उसको कहते हैं हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सर्किल के केस में हम पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, एंड द एरिया जहां पे आर क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, आर इज द रेडियस एंड द एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गए आपके 2D स्ट्रक्चर्स, ये सारे हो गए आपके 2D स्ट्रक्चर्स। अब हम मूव करते हैं 3D स्ट्रक्चर, जिनके लिए हमें 3 डायमेंशंस लगते हैं, नेमली द एक्स वाई एंड जेड। 3 एक्सिस लगते हैं डिफाइन करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स को। तो क्यूबॉइड में द साइड्स दे आर नॉट इक्वल, यहां पे आप देख रहे हैं जैसे कि साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी फेस का, अगर हम इस फेस की बात करें, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ इनटू हाइट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे इस साइड का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बी इंटू हाइट, क्योंकि ये तो एच है, बी इंटू एच करना पड़ेगा। इसी तरीके से ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आपका, अगर ऊपर का एरिया निकालना हो तो एल इंटू बी। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे द टोटल सरफेस एरिया इट इज इक्वल टू, दो फेस कैसे हैं, दो फेस में एल बी आ रहा है, दो मीन्स इट इज फॉर्म्ड ऑफ काइंड ऑफ मैच बॉक्स, हम मैच बॉक्स को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैच बॉक्स में क्या होता है, अपोजिट फेसेस दे आर इक्वल इन एरिया, और ऐसे टोटल कितने फेसेस हैं, एक साइड हो गया, एक ये वाला साइड हो गया, एक ऊपर और नीचे हो गया। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया कोई पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे, तो हमें सारे के सारे जो 6 रेक्टेंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो 6 रेक्टेंगल बन रहे हैं, और जो 6, लेट मी शो यू, जैसे कि ठीक है, तो यहां पे पहला ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला, तीसरा ये वाला फेस, चौथा ये आपकी तरफ फेस करने वाला, पांचवा ये और छठा ये फेस, 6 फेसेस है। तो हमें टोटल के लिए सारे फेसेस को ऐड करना पड़ेगा, सारे फेसेस का एरिया ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 2 1 इंटू एल एच इंटू बी एच इंटू एल बी। ठीक है, ये तो सिंपल से आप खुद भी जज कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून धीरज सर, गुड आफ्टरनून टू यू। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच। ठीक है, क्यूब में सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, इट इज ए काइंड ऑफ स्क्वायर्स को आपने 6 स्क्वायर्स को आपस में अटैच कर दिया है और एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना दिया है। तो उस केस में आपका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 सरफेस है, 6 सरफेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, और कितनी बार ऐड करें, 6 बार, तो 6a² टोटल सरफेस एरिया होगा 6a², व्हाइल वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, पर यहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है, तो क्या हो गया, a क्यूब, वॉल्यूम कितना हो गया क्यूब का, a क्यूब। तो क्यूबॉइड और क्यूब में अंतर होता है, याद रखिएगा, जब हम लेटरल या कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे होते हैं, उस समय जिस सरफेस पे आपने मैच बॉक्स रखा है और उसके ऊपर वाला सरफेस होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ 4 सरफेस को गिनते हैं, 4 सरफेस को गिनते हैं, दैट इज कौन कौन सी सरफेस को, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ आप इनको गिनेंगे जो साइड साइड में है। ठीक है, ऊपर और नीचे के सरफेस को आप नहीं गिन रहे हैं, ऊपर और नीचे के सरफेस को आप नहीं गिन रहे हैं। ठीक है, तो दो आप क्या कर रहे हैं यहां पे, आप तो आप उनमें से दो को हटा दीजिए। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, तो लेटरल सरफेस से आपको इससे वरी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये नहीं भी जानेंगे, ये तो आराम से आप डिराइव भी कर सकते हैं लॉजिकली इमेजिनिंग थिंग्स, ये बचपन में पढ़े हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल सरफेस एरिया निकालना आना चाहिए और वॉल्यूम, इवन कर्व सरफेस एरिया की भी जरूरत पड़ेगी, इस बार जरूरत पड़ी थी। ओके, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते,
सो आई रिमेंबर जस्ट नाउ, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कर्व सरफेस का मतलब जहां पे जिस तरीके से आपने लेट्स से मैच बॉक्स को जहां रखा है और उसके ऊपर का सर्फ, उसको हटा के सिर्फ साइड का एरिया आपको गिनना होता है, ठीक है। अब आते हैं हम सर्कल एक सिलेंडर पे। सिलेंडर क्या है, आपने लेट्स से एक बैंगल ली, एक चूड़ी ली, और चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, और इस तरीके से आप रखते चले गए, ठीक है। अब क्या होगा, यू विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर अ सर्कल, ओके, यू विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर, ठीक है। एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेट्स से उसकी हाइट कुछ h है, ठीक है। तो अब ये है क्या, ये तो इंडिविजुअली तो एक सर्कल ही है ना, एक सर्कल ही है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब कि सिर्फ बाहरी बाहर का, ठीक है, जहां जिस तरीके से आपने पाइप को रखा है, लेट्स से उसके लेंथ वाइज ऐसे कोई पाइप था, तो आपको इसके और छोर से नहीं मतलब है, ठीक है। आपने इसको लेट्स से इस पाइप को ऐसे प्लेस किया है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ बाहरी ओर से, सिर्फ बाहरी ओर से, ठीक है। हमें क्या पता है सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर रेडियस होता है, तो इस पाइप का रेडियस आर है लेट्स से। और ऐसे कितनी सारी बैंगल्स रखी है, एच नंबर की बैंगल्स रखी है, ठीक है। सो आप क्या कहते हैं, तो वन मिनट, इसको मैं करेक्शन कर देता हूं। तो आपने जब सर्कमफेरेंस निकाला था उस समय आपने कहा था 2πr, और अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2πrh, क्योंकि ये है तो एरिया अल्टीमेटली, तो यहां पे क्या आना चाहिए, यूनिट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर में आना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर में आना चाहिए। ये सर्किल की बात हो गई। टोटल सरफेस एरिया मतलब, अभी तक तो ये तो हम बाहरी की बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें बात करनी पड़ेगी इसकी भी, ये जो ऊपर में ये है, ठीक है, इसकी भी बात करनी पड़ेगी, राइट, इसकी बात करनी पड़ेगी। तो जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, सो हम अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ दिस विल बी, हम सर्किल का एरिया कैसे बताते हैं, लेट्स से ये कोई सर्कल है, इसका एरिया कैसे बता रहे थे, पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर से बताए थे, राइट। और ऐसे कितने सर्कल्स हैं हमारे पास, एंड में एक ऊपर वाले एंड में और एक नीचे वाले एंड पे, तो उस केस में 2πrh प्लस पाई आर स्क्वायर, जब आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो, ठीक है। तो बाद में आप इस वीडियो को पॉज करके यहां पे आप ये सारे फॉर्मूले का नोट ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे कि लेट्स से कोई हीट एक्सचेंज का प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई हीट एक्सचेंजर है, उसमें कोई हॉट गैस है, वो किसी पाइप के थ्रू फ्लो कर रही है, ठीक है, हाँ, तो वो पाइप के थ्रू फ्लो कर रही है, ठीक है। तो उस समय आप n को कंसिडर नहीं करते, आप सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो उस समय अगर आपसे एरिया पूछा जाएगा, कितना सरफेस एरिया अवेलेबल है फॉर द हीट एक्सचेंज टू हैपन, दैट इज इक्वल टू 2πrh, दैट इज अवेलेबल टू ओनली दिस सरफेस, ओनली द कर्व सरफेस, ठीक है। तो इसी तरीके से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम की यूनिट होती है यूनिट क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट होती है यूनिट क्यूब, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर तो सर्कल होते हैं, पाई आर स्क्वायर तो एरिया होता है सर्कल का, और ऐसे कितने सारे बैंगल्स रखे हैं, एच नंबर ऑफ, तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना होता है एक सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपने लेट्स से किसी सिलेंडर का कंटेंट खाली किया कोन में, ठीक है, तो कोन आपको ऐसे तीन कोन लग जाएंगे, ठीक है। जो भी एक सर्कल का, एक सिलेंडर का सेम हाइट का अगर आप कोन और एक कोन, लेट्स से आपने एक सेम हाइट का कोन और एक सिलेंडर लिया, तो आपको ऐसे तीन कोन लग जाएंगे ये पूरा सिलेंडर का कंटेंट खाली करने में, दो ऑल दो दे आर ऑफ द सेम हाइट एच। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो वॉल्यूम होता है कोन का, दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि एच का मतलब होता है ये जो परपेंडिकुलर हाइट है, जो बेस की तरफ आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है,
उस डायमेंशन को हम एच कह रहे हैं, और जो एल है इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। ये क्या होता है, ये जो एल है जिसको अभी मैंने रंगा है इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये स्लैंट हाइट कब यूज आती है, जब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ता है, पर आपको कोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में पढ़ सकती है, पर बायोलॉजी वाली प्रॉब्लम्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया तो कितना आसान हो गया, ये जो कर्व सरफेस एरिया है प्लस जो आपने बेस है, कोन का जो बेस है दैट इज दिस वन, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, राइट। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली क्यूब का याद रखिएगा, सिलेंडर का याद रखिएगा, कुछ नहीं तो सिलेंडर का तो याद रखना ही रखना है, मस्ट है, और एक है स्फीयर का। ठीक है, स्फीयर का याद रखना है, स्फीयर में लेट्स से कोई स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी मतलब एक तरीके से सर्कल ही है, पर अब वो 3D शेप में है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से 3D स्ट्रक्चर, जैसे कि अर्थ। सो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी तो हाइट होती नहीं है, कुछ भी नहीं होता, तो आप आर का ही क्यूब, रेडियस का ही क्यूब कर देते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, और पाई आर स्क्वायर का 4 गुना कर दे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। ठीक है, यहां पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक होते हैं स्फीयर के केस में, 4πr². ठीक है, हेमिस्फीयर में जस्ट आधा कर लीजिए, इसको बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, बाई 2 करने पे क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो सिंपल है, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है, और क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, लैटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया स्फीयर्स के केस में सेम होते हैं, तो इसको भी आपने बाई 2 कर दिया, दैट इज 2πr², और ये भी 2πr² हो गया। पर यहां पे एडिशनल बात क्या आ गई, अब आपके पास ये एडिशनल सरफेस है तो इसका भी एरिया ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पर आपको इसकी जरूरत शायद ना पड़े, हेमिस्फीयर की जरूरत शायद ना पड़े। ठीक है, मोर इंपॉर्टेंटली जो आपको याद रखने वाली है वो है स्फीयर, एक है ये, इंपॉर्टेंटली ये तो याद रखना ही रखना है किसी भी हाल में, बाकी आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के रिगार्डिंग याद रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली है डेंसिटी की, हमने बात कर ली है वॉल्यूम की, और हमें फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला हमें ये पता है दैट मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये बात हमें पता है। ठीक है, हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले देख लिए हैं और डेंसिटी का भी फॉर्मूला, हमें डेंसिटी क्या होती है वो भी पता है। तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूं फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, ट्राई दिस, क्योंकि अभी हमने मोलारिटी और मोल कॉन्सेप्ट की बात नहीं की है तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम अगली क्लास में या कल की क्लास में देखेंगे, इसको अभी के लिए स्किप करिए। अभी आप बताइए मुझे कि प्रोटीन का मास कितना है। ठीक है, आंसर बताइए मुझे, ये कह रहा है प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट 15% ऑफ द सेल मास, तो मुझे बताइए हाउ मच टोटल प्रोटीन वेज। ठीक है, टोटल प्रोटीन का वेट बताइए, वो भी ग्राम्स में, और आपकी हेल्प के लिए मैं आपको कह देता हूं मुझे आंसर किस में चाहिए, मुझे बताइए आप ये आंसर। सो यू कैन टेल मी दिस आंसर इन टर्म्स ऑफ, लेट मी शो, ठीक है, तो आपको यहां पे बस वैल्यू बतानी है मुझे, डेसिमल नंबर में आंसर होगा। ठीक है, ये भी बता दे रहा हूं, टेल मी द आंसर। एक रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है, दैट इज रॉड का मतलब, रॉड भी कैसा होता है, एक तरीके से सिलेंडर ही मान सकते हैं, उसकी लेंथ गिवन है, मतलब कि हाइट गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है, डायमीटर का मतलब वन, दैट इज डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, और डेंसिटी भी आपको बता रहे हैं कि वो जो बैक्टीरियम की डेंसिटी है इट इज सेम एज वाटर, दैट इज 1 g/cc। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा बैक्टीरिया का वॉल्यूम। ठीक है, पहला स्टेप बैक्टीरियम का वॉल्यूम निकाल के बताइए,
ठीक है, बैक्टीरियम का वॉल्यूम पता चलेगा। अब वो वॉल्यूम किस में आएगा आपका, माइक्रोमीटर क्यूब में आएगा। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, माइक्रोमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है इंटू, यू हैव टू कन्वर्ट इंटू सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बैक्टीरिया की डेंसिटी है इट इज सेम एज वाटर, और वाटर की क्या डेंसिटी होती है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी हमें पता है इट वेज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए मैंने सेंटीमीटर क्यूब में आपको कन्वर्ट करने को बोला है। तो आपको पता चले जब आपने सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिया तो फिर आपको क्या करना है थर्ड स्टेप में, तो आपको अब क्योंकि डेंसिटी पता है तो मास कैसे निकाल सकते हैं, तो ये किसकी मास आएगा, मास आएगा बैक्टीरिया का, टोटल बैक्टीरिया का मास आएगा। ठीक है, मास इज इक्वल टू जो भी वॉल्यूम आया है दैट यू हैव कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू डेंसिटी, डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये किसमें होगा, ग्राम पर सीसी में होगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप में कन्वर्ट करिए, निकालिए कि कितना प्रोटीन है, फोर्थ स्टेप में वेट ऑफ प्रोटीन निकालिए। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, जल्दी से बताइए, आई गिव यू 5 मिनट्स, नॉट 5 मिनट्स, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको मैं 2 से 3 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, जल्दी से बताइए। Anyone, कोई भी कुछ भी रैंडम भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको लग सकता है कि कितने सारे स्टेप्स हैं, पर ये कितने सारे स्टेप्स नहीं है, ये सब बचपन में जो पढ़ा है उसी का अकुमुलेशन है। ठीक है, उन्हीं सारी नॉलेज को आप एक साथ कह के करके बता रहे हैं। ठीक है, नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे अच्छी बात होती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड से ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं होता है। ओके, कविता हार मान ली है, बाकी लोग कोई है जो मदद करेगा कविता जी की, एनीवन, कोई भी एक आंसर दीजिए, देन आई विल टेल यू। ओके, मधु ने तो ट्राई किया है, वेरी गुड मधु, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, एटलीस्ट आपने ट्राई किया है। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, अ रॉड शेप बैक्टीरियम। हमें बैक्टीरियम को कैसा मानना पड़ेगा कि वो एक सिलेंडर की तरह है, कि ये जो बैक्टीरियम है ये सिलेंडर की तरह है जिसका डायमीटर आपको 1 माइक्रोमीटर गिवेन था।
ओके 0.03 कह रहे हैं, लेट अस सी, बहुत ही वेरिएंट आंसर आ रहे हैं। ठीक है चलिए देखते हैं, ये गिवन है और इसकी लेंथ कितनी गिवन है आपको, 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर गिवन है राइट। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है तो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, तो जिनको नहीं बना है वो नोट डाउन कर सकते हैं और जो करते जा रहे हैं वो मेरे साथ साथ मैच करते जाए अपने स्टेप्स। ठीक है चलिए देख लेते हैं, ठीक है चलिए हम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या आएगा, सबसे पहली बात वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइक्रोमीटर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2। ठीक है 1 माइक्रोमीटर 1/2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी गिवन है, 2 माइक्रोमीटर, और ये आंसर किसमें आएगा, माइक्रोमीटर क्यूब में, मुझे माइक्रोमीटर में नहीं चाहिए है ना। तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं सेकेंड स्टेप, ये तो हो गया मेरा पहला स्टेप जैसा मैंने कहा, ठीक है ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर क्यूब में बदलना। तो मुझे क्या पता है दैट व्हाट आई कैन से इज दैट देयर आर 1000 माइक्रोमीटर इन 1 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 10^3 भी लिख सकता हूं है ना, 10^3 माइक्रोमीटर इन 1 सेंटीमीटर, पर मुझे क्या चाहिए, माइक्रोमीटर क्यूब चाहिए। ठीक है मुझे माइक्रोमीटर क्यूब चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर दोनों साइड क्यूब किया मैंने, तो इधर भी क्यूब कर दिया और इधर भी क्यूब कर दिया। और मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मुझे कहा गया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर बैक्टीरिया की डेंसिटी है, जब बराबर है तो मुझे पता है वाटर वेज 1 ग्राम फॉर 1 ml, इसलिए मैं सेंटीमीटर क्यूब में बदल रहा हूं। तो अब मुझे क्या पता है, ठीक है कितना हो जाएगा, 10^9 माइक्रोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपका राइट, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है ओके फाइन, ठीक है 10^9 माइक्रोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है इतना आ गया हमारा। अब यहां पे देखिए जरा ऊपर में, बस हमें यही पुट करना है, और व्हाट आई कैन से इज 1 माइक्रोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10^9 cm³, या फिर 1 माइक्रोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^-9 cm³, ये कह सकता हूं मैं। ओके सॉरी यहां पे हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, मिलीमीटर की नहीं, सॉरी आई एम सॉरी गाइस, यही गड़बड़ हो रही थी, तो देयर आर करेक्शन कर लीजिएगा, 10^4 10,000, क्योंकि जब हम माइक्रोमीटर के बाद मिलीमीटर आता है, मिलीमीटर के जस्ट बाद सेंटीमीटर आता है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है तो इसलिए 10^3 नहीं 10^4 होगा, तो आई एम सॉरी यहां पे चेंज कर लीजिए, 10^12 हो गया, इधर भी क्या हो जाएगा 10^12, इधर हो जाएगा ऊपर जाएगा तो -12। ठीक है गुड इवनिंग प्रीति मैम, 10^-12 हो जाएगा, ठीक है और किसके 1 माइक्रोमीटर क्यूब, और हमारे पास कितना है, हमारे पास 1 माइक्रोमीटर क्यूब नहीं है, हमारे पास इतना माइक्रोमीटर क्यूब है। तो बस अब सिंपल से कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मल्टीप्लाई, सिंपली आई कैन मल्टीप्लाई, तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, 1/2, या फिर इसको आप सीधे 1/4 लिख सकते थे या 0.25 लिख सकते थे, इंटू 2 × 10^-12, पर अब ये किस में हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे इसका वेट कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या निकाल सकता हूं, मास ऑफ द सेल। ठीक है मास ऑफ द सेल कैसे निकालूंगा, सो सेल मास हमें क्या पता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम तो पता चल गया, ये है हमारा वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम इज ये सेंटीमीटर क्यूब है, और वो क्या हो जाएगा आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब से। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3.14 × 0.25 1/4, मतलब 1/2 को मैंने 1/4 कर दिया, ठीक है, स्क्वायर है क्योंकि, × 2 × 10⁻²। ठीक है, ये किया हमने, तो इसका आंसर लगभग आपका आ जाना चाहिए था, इट शुड हैव केम आउट टू बी, अगर आप इसे सॉल्व करते तो योर आंसर शुड हैव केम आउट मींस, अब आप इसे करके देख सकते हैं, ठीक है, 0.5 हो गया, ठीक है 0.5 हो गया एंड देन 3.14 का आधा, ठीक है, क्योंकि मैं क्या कह सकता हूं 3.14 का 2/2 × 10⁻², ग्राम्स, है ना। तो ये हो गया आपका यू कैन से 1.5 और ये होता है 7, सो यू कैन से 1.57 ग्राम्स, लगभग कुछ ऐसा आना चाहिए, × 10⁻², ठीक है, वो लगाना मत भूलिएगा, लगभग ये आना चाहिए था। आई होप आई एम डूइंग राइट, ठीक है, तो 3.14 वाले जो आए हैं विक्रम मोनिका, आप लोग काफी क्लोज पहुंच गए थे, पर आप शायद किसी स्टेप पे कुछ गड़बड़ कर लिए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या स्टेप में गलती हुई है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई कैसे करना था ये न्यूमेरिकल। चलिए, अगर नहीं हुई है कोई बात नहीं, और भी मौके मिलते हैं लाइफ में। देखिए, अब अभी आपको लग रहा होगा कि बायो प्रोसेस का न्यूमेरिकल है, पर ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया, गेट 2020 में, और देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि वॉल्यूम जो है, यहां पे कह रहा है कि अगर आपको, मैं सिंपली आप पढ़ लीजिएगा, पर मैं आपको पहले बता देता हूं, एक बड़ा बबल है, बड़े बबल को आपने एजिटेट किया जिसकी वजह से वो आज छोटे बबल में टूट गया, पर जो एयर की क्वांटिटी है वो तो नहीं हटेगी, कम नहीं होगी, मतलब कि जो मैटर है दैट इज द वॉल्यूम दैट विल नॉट गो एनीवेयर, वो तो कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो आपको अब निकालना है कि जो नए छोटे बबल बने हैं उनका रेडियस क्या होगा, ठीक है, उनका रेडियस क्या होगा यूजिंग द वॉल्यूम फॉर्मूला। गुड इवनिंग टू यू अनुराग, गुड इवनिंग, ठीक है, निकालिए जरा, अपॉन द चेंज। तो आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता चल सके कि सिंपल सिंपल जो आपने 9th-10th क्लास में या स्टैंडर्ड्स में ये सारी बातें पढ़ी हैं कितनी यूजफुल हो जाती हैं, आपको गेट में कैसे ये रैंक दिलाती हैं। और कुछ भी नहीं करना है, लग रहा है बायो प्रोसेस का न्यूमेरिकल है पर है नहीं, ठीक है, पहले आप न्यूमेरिकल ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। यू हैव 2 मिनट्स। तो यस प्रीति मैम, दैट इज राइट, वॉल्यूम रिमेंस द सेम, वॉल्यूम ऑफ कोर्स रिमेंस द सेम। चलिए जल्दी से कौन आंसर करके बता रहा है, आपकी स्पिरिट में ही मेरी जीत है, जब तक आप लोग स्पिरिटेडली आंसर नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को टफ मत सोचिए, इट इज नॉट टफ एट ऑल, ये सब आप बचपन में कर चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आए हैं आप, तभी आप पास होके आज एमएससी बीएससी कर रहे हैं, और जो बीटेक कर रहे हैं वो तो है ही, है ना, तो डरना नहीं है।
वन आंसर एटलीस्ट मैं फिर आपको बताता हूं। ओके तो जनदीप सिंह टू कह रहे हैं, लेट अस सी। वेरी गुड बेटा, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर ट्रायल। वेरी गुड वेरी गुड, क्या पता आपने सही भी आंसर दिया हो। ठीक है, बहुत अच्छे, कम से कम आपने इमेजिनेशन लगाई, ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं आपको क्या कह रहा है। जो एक बड़ा बबल है उसका रेडियस कितना गिवन है, आर गिवन है। उसका रेडियस कितना गिवन है, आर, है ना। अब वो क्या हो रहा है, वो आठ छोटे बबल में टूट रहा है। लेट अस से जो नया बबल बन रहा है, जो छोटे छोटे बबल बन रहे हैं, वो सब सेम रेडियस के, इक्वल रेडियस के आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो लेट अस से वो आर डैश है। ठीक है, लेट्स से उसे ऐसे दिखा लेते हैं, आर वन ऐसे करके दिखा लेते हैं, या फिर आप उसको वैसे कंफ्यूजन ना हो तो एक्स ही मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है स्फीयर। तो जो गैस बबल होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्फेरिकल फॉर्म में होगा। तो दैट इज 4/3 πr³ इज इक्वल टू जो आठ बबल का कंटेंट है और हर बबल का कितना वॉल्यूम है वो भी निकालना पड़ेगा। दैट इज 4/3 πr³, दैट इज एक्स का क्यूब। ठीक है, 4/3 एक्स का क्यूब। तो इससे मुझे क्या होगा, कम से कम पहले रेडियस पता चल जाएगा। वेरी गुड प्रियंका, विक्रम, जनदीप। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, है ना। अब पीछे क्या बचा, पीछे बचा आपका एस क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन 8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को तो मैं ये भी लिख सकता हूं, दैट इज 2/3। इसको 2/3 भी लिखा जा सकता है, है ना। और अगर मैं यहां से पावर को ट्रांसपोज करूं तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं r/2 4/3 × 1/3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो मेरा जो नया रेडियस है, हर बबल का रेडियस कितना है, r/2। जो नया बबल है उसका रेडियस कितना है, जस्ट हाफ ऑफ द बिग बबल। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इंटरफेशियल सरफेस एरिया टू द गैस फेज वॉल्यूम। अगर आपने स्फीयर का हमने देखा था सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² है ना। तो आपसे कह रहा है 4πr² अपॉन, जब हम बड़े बबल की बात कर रहे हैं तब की, अपॉन 4/3 πr³। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4/3 से, और सॉरी, ओके, सो 4/3 से मींस 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यू कैन से ये पूरा कंप्लीट कैंसिल हो गया। तो ये कितना बचा आपका, इन टर्न यू आर गेटिंग 3/r। और यही तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जो ओरिजिनल बबल है उसका जो रेशियो है इंटरफेशियल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कितना है, 3/r। तो आपसे बोला है कि ये जो 3n/r है ये कितना है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर अब आप नया बबल की बात करेंगे, नए बबल के बारे में, लेट्स से हम लोग किसी और पेन से बात कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा r/2। 2 ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 2/r। तो यहां पे n क्या हो गया, n क्या हो गया, n तो 2 हो गया, n तो 2 हो गया, राइट, है ना। तो आंसर क्या हो गया यहां पे, इट इज 2, द वैल्यू ऑफ n इज 2। तो जिन्होंने भी 2 निकाला है, वेरी गुड, कुछ भी नहीं करना था, यस इजंट इट। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, परसेंटेज। ओके, सो परसेंटेज की बात कर लेते हैं। जैसे कि लेस से आप कितना मार्क्स स्कोर करते हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट जो आता है, देन यू व्हाट यू डू, आपकी जितने भी टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपका जितने भी मैक्सिमम मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, उसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं। लेस से इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स,
इंग्लिश का पेपर हुआ, हिंदी का हुआ, मैथ्स का हुआ, सोशल साइंस का हुआ, जनरल साइंस का हुआ, एंड सो ऑन, कुछ भी पेपर हुआ, ठीक है, आप सबके मैक्सिमल मार्क्स को नीचे लिखते हैं और अब आपने कितना स्कोर किया एज एन इंडिविजुअल, आपने कितना स्कोर किया है इन सारे सब्जेक्ट में, उसको हम ऊपर लिखते हैं और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें क्या मिले, हमें कुछ आंसर मिले, दैट इज परसेंट, दैट इज परसेंट, या फिर हम इसको कैसे दिखाते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में। तो परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी, परसेंटेज हमें हेल्प करता है विजुअलाइज करने में कि आउट ऑफ, अगर हम लेट्स से किसी के मार्क्स आ रहे हैं 2000 में से, किसी के यूनिवर्सिटी में पेपर 2000 में से होता है, किसी के यहाँ 1500 में से होता है, किसी के यहाँ सिर्फ 250 का होता है, ठीक है 2500 का होता है, तब आप पता कैसे लगाएंगे कितने कितना स्कोर किया, तो हम परसेंटेज निकालते हैं, जो भी मैक्सिमल मार्क्स हैं उसको हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में और जो आपने स्कोर किया है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज हेल्प्स अस कंपेयर थिंग्स, तो किसी भी चीज का परसेंटेज निकाला जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमल पॉसिबल, उसको हमने नीचे लिखा, एंड व्हाट यू हैव ऑब्टेन उसको हमने ऊपर लिखा, और 100 से मल्टीप्लाई, किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वो परसेंटेज में बदल जाती है, ठीक है। और अगर आपसे लेट्स से किसी ने परसेंटेज चेंज पूछ लिया, ये तो आपको पता ही है परसेंटेज क्या होता है, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा परसेंटेज चेंज कितना आया, लेट्स से पहले ये कंडीशन थी तो इतना वॉल्यूम था, अब कंडीशन को चेंज हो गई है तो इतना वॉल्यूम हो गया है, तो फिर कितना परसेंटेज चेंज आया, या फिर पहले इकोनॉमी ऐसी थी कोरोना से पहले आपके पास 100 ग्राहक आते थे तो आप इतना कमाते थे, और कोरोना में आपके पास इतने ग्राहक आ रहे हैं तो आप इतना कमा रहे हैं, तो परसेंटेज चेंज कितना आया, तो वो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज मतलब रिलेटिव होता है, इन रिलेशन टू ओल्ड, ठीक है। तो व्हाट इज द ओल्ड वैल्यू, ठीक है, आपको चेंज का परसेंटेज कितने वैल्यू से कितने टाइम्स चेंज हुआ है, ठीक है, आपको फ्रैक्शन निकालना है कि ओल्ड वैल्यू के कंपैरिजन में कितना चेंज आया है, इंक्रीमेंट जैसे लगता है, तो कितने परसेंट का बोनस मिला है, वो हम कैसे निकालते हैं, जो भी ओल्ड सैलरी रहती है, ठीक है, ओल्ड सैलरी को हम बेस में लिखते हैं और जो न्यू सैलरी रहेगी, ठीक है, तो जो भी न्यू वैल्यू रहेगी उसको हमने यहां पर लिखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया ओल्ड वैल्यू के साथ, तो ये तो आपको डेल्टा बता रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, दिस इज टेलिंग यू अबाउट द डेल्टा, डेल्टा इन रिस्पेक्ट टू ओल्ड वैल्यू, और क्योंकि आपको क्या निकाला है परसेंटेज, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इस तरीके से निकाला जाता है, ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, तो डू दिस क्वेश्चन, ये भी आपके गेट का क्वेश्चन है, सो आई हैव पिक्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सेल एंड बायोटेक्नोलॉजी बोथ इन रैंडम, ठीक है, तो आप खोज सकते हैं, आपको मिल जाएगा किसी ना किसी पेपर में, सो ट्राई दिस क्वेश्चन। यहां पे बोला है कि कोई पेप्टाइड है जो कि 400 अमीनो एसिड लॉन्ग है, जिसको हम प्रोटीन एक्स कह रहे हैं, उसके बाद आपको स्टार्ट एंड एंड अमीनो एसिड रेसिड्यू नंबर दिया है, ये जो नंबर गिवन है आपको, ठीक है, ये जो नंबर गिवन है ये एंड और स्टार्टिंग नंबर है जहां से अल्फा हेलिक्स चालू हो रही है, तो आपको बताना है करेक्ट टू इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर के करेक्ट बताना है, ठीक है, राउंड ऑफ करके, द परसेंटेज ऑफ रेसिड्यूज फॉर्मिंग अल्फा हेलिक्स इज, ठीक है, तो डेसिमल आंसर नहीं आना चाहिए, आपका करेक्ट वो नंबर आना चाहिए, कितने रेसिड्यूज अल्फा हेलिक्स बना रहे हैं 400 में से, बताइए जरा, एंड देन फ्रॉम 5 o'clock यू विल हैव अ सेशन विद दिगंबर सर, सेल बायोलॉजी का लेक्चर होगा, ठीक है, सो आप उसमें भी कनेक्ट हो जा सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, पर अभी हमें ज्यादा, अभी हम ज्यादा कवर नहीं कर पाए, सो जस्ट पिकअप द पेस, जल्दी से इसका आंसर बताइए ताकि मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बता सकूं। नंबर्स क्यों नहीं दिख रहे हैं आपको, ओके, ठीक है, मैं आपके नंबर्स लिख देता हूं यहां पे,
ठीक है, यहां पे लिखा है 21, यहां पे लिखा है 70, यहां पे लिखा है 225, 249, इधर लिखा है 320, इधर लिखा है 324. धवल सर 25% कह रहे हैं, जनदीप 20%, ओके. ओके, सो यहां पे आप देखिए क्या है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर टोपोलॉजी डायग्राम. ठीक है, यहां पे आपको एक लिनियरली आपको बता दिया गया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे कैसे, एक मैप आपको जनरेट करके दे दिया है 400 अमाइनो एसिड लॉन्ग का. अब यहां पे कह रहा है कि स्टार्ट और एंड अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है, अल्फा हेलिक्स कहां से शुरू हो रहा है, किस रेसिड्यू नंबर से शुरू हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है, ये बता रहा है. तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ रेसिड्यूज फॉर्मिंग एन अल्फा हेलिक्स. ठीक है प्रियंका, विक्रम 19 कह रहे हैं, बेटा इतना यूनिक कैसे आया नंबर आपका. चलिए ओके 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 15%, ओके वेरी यूनिक आंसर्स, लेट अस सी. ठीक है, टाइम नहीं है, मैं आपको बता देता हूं क्या हो रहा है यहां पे. ठीक है, सबसे पहले देखिए 70 और 21 से शुरू होके 70 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ रेसिड्यूज, जो भी नंबर है, मतलब कि 70 माइनस 20, ठीक है, क्योंकि 20th रेसिड्यू तक अल्फा हेलिक्स चालू नहीं हुआ है, वो तो 21st से चालू हुआ है. 70 माइनस 20 कितना आएगा, 50 अमाइनो एसिड्स दे आर फॉर्मिंग दिस अल्फा हेलिक्स. ठीक है, 50 अमाइनो एसिड्स दे आर फॉर्मिंग दिस अल्फा हेलिक्स. नेक्स्ट 224 से 249 माइनस करना है, तो आप करेंगे 224 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका, यू विल गेट समथिंग अबाउट 25 रेसिड्यूज. ठीक है, 25 रेसिड्यूज आएगा. इधर क्या है, इधर आपका 324 में से 319 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 5. ठीक है, 5 आएगा. तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं आपके पास जो बना रहे हैं अल्फा हेलिक्स, 50 + 25 + 5/400 × 100, राइट. तो ये कितना होता है, इट इज इक्वल टू 80/400 × 100, राइट. कितना आया, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, इधर 5, 8 5, 8 5 = 40, 80 5 = 400. ठीक है, तो 500/5 इट इज इक्वल टू नथिंग बट 20%. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसका भी 20% आया है. तो जनदीप वेरी गुड बेटा, ठीक है, लाइफ साइंस वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, यस विक्रम 20 आएगा. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना था. यस यशोदा 20. चलिए जल्दी से आज बस प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम कल न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, फिर मैं आपको क्वालिटी टाइम नहीं दे पाऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है रेदर देन मी सॉल्विंग इट. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ट्वीक करके आएगा फिर आप शायद नहीं कर पाएंगे. चलिए प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इन शॉर्ट अबाउट प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस ऑकरेंस. लेट्स से आज बरसात होगी पुणे में कि नहीं, दैट इज अ चांस ऑकरेंस, दैट इज बेस्ड ऑन माय प्रीवियस नॉलेज. ठीक है, एंड द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्शंस, वो भी प्रेडिक्ट करते हैं कि संभावना है, संभावित है कि आज ओले गिरे या बरसात हो. ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी टेल्स यू द लाइकली चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट. तो हाउ डू यू डिफाइन प्रोबेबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए दैट इज इक्वल टू, तो इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको बता दूं, इवेंट, इवेंट का मतलब डिजायरेबल आउटकम्स. ठीक है,
इवेंट जिसको मैं ई से दिखा रहा हूं, दैट मींस द डिजायरेबल आउटकम्स दैट यू वांट। उसके बाद होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स को आप यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे सेपरेटेड बाय कॉमास। इनको हम कहते हैं ईच इंडिविजुअल यहां पे, जैसे कि लेट्स से ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये ए है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्स वाई जेड है, ये सब एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस के, ये दीज आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और मेरा लेट्स से मेरा जो डिजायरेबल आउटकम है दैट इज ए, मुझे ए चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी ए आने की, क्या प्रोबेबिलिटी होगी ए आने की, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज वन, ठीक है, और काउंट ऑफ टोटल टोटल आउटकम दैट इज वन टू थ्री फोर, वन बाई फोर। ए आने की चांस कितनी है, वन बाई फोर, ठीक है। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद होता है एक और टर्म है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब जिनका आउटकम्स is not dependent on the previously happened experiments, ठीक है, जो अभी का experiment है it is totally independent of all other pre-existing and the experiment which are going to happen, जैसे कि toss of a coin, जैसे कि आपने toss किया coin का, आप चाहे आपको let's say 999 बार आपने 1000 बार toss किया, and let's say due to some bad luck आपको 999 times tail मिला और एक बार हेड मिला है, और अगर आपसे पूछेगा कि अगर ये अपने 1001 टाइम्स अगर आपने टॉस किया तो क्या मिलेगा, अगेन द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 50%, क्योंकि आपको नहीं पता, देयर इज इक्वल, जब सेड दैट गिवन दैट द द द कॉइन इज अनबायस्ड फेयर कॉइन है, ठीक है, तो 50% चांस है हेड आने की और 50% चांस है टेल आने की, दैट इज इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। इसी तरीके से किसी बच्चे का जन्म, लड़का होगा कि लड़की, इट इज नॉट डिपेंडेंट कि उस कपल को पहले लड़के हुए हैं कि लड़की हुए हैं, ठीक है, या उनका ये पहला बच्चा है, दिस इज ए टोटली इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। यहां पे इक्वल चांसेस है कि जो एक्स कैरिंग स्पर्म है वो फर्टिलाइज करे एग को, या फिर वाई कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज करे एग को, सो देयर इज इक्वल चांसेस, एंड दिस इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर इवेंट्स, ठीक है। इस बार लड़का होगा कि लड़की, 50-50% फिर भी चांस है, ठीक है, तो दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर आउटकम्स, ओके। उसके बाद आता है एंड और का कॉन्सेप्ट। तो प्रोबेबिलिटी में अगर आप सिंपल सा इंग्लिश स्टेटमेंट बना सकते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड और का कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स से आपने कहा कि जीत तब होगी या तो हेड आ जाए, या तो आप जैसे लेट्स से आपने कॉइन एक कॉइन का टॉस किया, या तो हेड आ जाए या तो डाइस के थ्रो में तीन आ जाए, या ठीक है यहां पे आपने अल्टरनेट पाथवेज बना रखे हैं, ठीक है, आपने कहा यू गेट ऑप्टेन थ्री ऑप्टेनिंग थ्री, या फिर ऑप्टेनिंग थ्री और ऑप्टेनिंग हेड्स, ठीक है, तो आपकी विक्ट्री होगी, यू विल बी कंसिडर्ड एज ए विनर, ठीक है। तो थ्री आने की चांसेस, नेट थ्रो ऑफ ए डाइस क्या होगी, थ्री तो एक होता है, और कितने सैंपल स्पेस हो सकता है, इट कुड बी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी थ्री आने की, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री इज वन बाई सिक्स, ठीक है। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, और आपको क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज वन बाई, ठीक है। तो और है मतलब कि अल्टरनेट सिचुएशन है, या तो हेड आ जाए या तो तीन आ जाए, तो इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगी, दैट इज इक्वल टू वन बाई सिक्स और वन बाई टू, या तो हेड या तो थ्री। एंड का मतलब, तो इससे यह समझ में आता है कि जब भी और जैसी कंडीशन होगी तो वहां पर आपको करना है एडिशन,
जब एंड वाली कंडीशन होगी, जब एंड होगा, जैसे कि लेट्स से यू विल विन इफ यू ऑब्टेन थ्री इन अ थ्रो ऑफ डाइस एंड हेड्स. अभी अगर ये हो जाए कंडीशन तो न्यू केस, अगर ये नया केस हो जाए तो फिर क्या होगा, आपको दोनों की दोनों चीजें मस्ट हैं, ठीक है, दोनों की दोनों चीजें मस्ट हैं, तो उस समय क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थ्री इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स. तो इससे ये बात समझ में आती है कि जब भी एंड आएगा कि दोनों चीजें जब साथ होंगी तब विक्ट्री या फेवरेबल आउटकम कंसिडर किया जाएगा, उस समय मल्टीप्लीकेशन आता है. एंड कंडीशन में मल्टीप्लीकेशन आता है और कंडीशन में एडिशन आता है. और कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी इट कैन नॉट बी मोर देन वन, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इट शुड लाई बिटवीन जीरो एंड वन, प्रोबेबिलिटी शुड लाई बिटवीन जीरो एंड वन. वेरी गुड जनदीप, यस, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी शुड लाई बिटवीन जीरो एंड वन, ठीक है, वन मिनट गाइस. Then another concept is, let's say कुछ आपको क्वेश्चन दिखेंगे एप्टीट्यूड में भी देख सकते हैं, जहां पे आपसे बोलता है कि द बॉल इज ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, एक बैग है उसके अंदर कई तरीके की बॉल रखी है, लाल हरी पीली नीली ऐसे करके रेड ग्रीन येलो ब्लू बॉल्स रखी हुई है और आप उसमें एक बार विथ रिप्लेसमेंट उठा रहे हैं और एक बार विदाउट रिप्लेसमेंट उठा रहे हैं, ठीक है, एक बार विथ रिप्लेसमेंट उठा रहे हैं और एक बार विदाउट रिप्लेसमेंट उठा रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है. तो अगर लेट्स से कोई बैग है जिसमें मान लीजिए 10 बॉल थी, ठीक है, आप अगर एक बॉल निकाल रहे हैं एक बार में और उसको वापस नहीं रख रहे हैं तो बॉल का नंबर घटता जा रहा है, हर ड्रॉ में बॉल का नंबर मतलब डिनोमिनेटर कम होता जा रहा है, ठीक है. पहले में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो लेट्स से ब्लू बॉल कितनी आएंगी, तो 10 बाई 10 सॉरी. नेक्स्ट टर्न में आपको क्या आना चाहिए, फिर से ब्लू आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, लेट्स से ये एक्स वाला कंडीशन है कि एक्स नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है 10 में से, एक ब्लू बॉल कम हो गई और साथ ही साथ एक बॉल कम भी हो गई टोटल में से. नेक्स्ट एक और ब्लू आना चाहिए, फिर क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गई विदाउट रिप्लेसमेंट. अगर रिप्लेसमेंट होता रहता तो तब क्या होता आंसर, तब अगर मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स होती तो एक्स बाई टेन इंटू एक्स बाई टेन इंटू एक्स बाई टेन, ठीक है. और मैंने क्यों लिखा है, मल्टीप्लीकेशन क्यों लिखा है, क्योंकि विक्ट्री तभी मानी जाएगी आपको जब लगातार तीन ब्लू बॉल्स मिले, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझेंगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे, सो यू कैन हैव अ क्वेश्चन विद यू, ठीक है, आप ये क्वेश्चन ओके. फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट है, दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो, ठीक है, वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस कॉन्सेप्ट टुमारो, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी के लिए आज इतना ही, ठीक है, वी आर स्टॉपिंग एट प्रोबेबिलिटी, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो विद परम्यूटेशंस एंड देन वी विल बी लुकिंग इनटू द न्यूमेरिकल्स, ठीक है. तो कल की क्लास में भी कैलकुलेटर सबके साथ होना चाहिए, कॉपी पेन होना चाहिए एंड यू शुड हैव एन एक्टिव पार्टिसिपेशन. विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, है ना. थैंक यू सो मच गाइस, यू हैव बीन अ गुड ऑडियंस, आप इतने रिसेप्टिव है, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं एंड आई वॉन्ट दिस एनर्जी टुमारो एज वेल, ठीक है. खुद आइए, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आइए. मीनवाइल एक और इंफॉर्मेशन ये है आपके लिए, अगेन आई शुड टेल यू कि आपके 5th अप्रैल से, ठीक है, 5th अप्रैल से बोथ फॉर लेट्स से बीटी एंड एक्सेल, ठीक है, इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और टेस्ट सीरीज भी चालू है, ठीक है. सो यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी एट द डिस्काउंटेड प्राइस. थैंक यू सो मच यशोदा, विक्रम, कविता, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, ठीक है, डायलन.
यस थैंक यू एवरीवन, ठीक है, वी विल मीट टुमारो, रिवाइज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कल की भी क्लास का और आज का भी।